मित्रों, आज बात करेंगे एक श्रब की जो बहुत ही सुंदर देखने में, इसकी आप देखेंगे सिंपल इसके लीव्स हैं और ब्रैक्ट इसके कलरफुल होते हैं। इसको पोइनसीटिया कहते हैं और ये यूफोरबियसी फैमिली का है। यूफोरबिया पल्चीरिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रोपेगेशन बहुत साधारण तरीके से इसके बीज के माध्यम से और कटिंग के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टेंट पाए जाते हैं। इसकी जो ये कलरफुल लीव्स हैं, इसके अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट पाई जाती है। एंथोसाइनिन पिगमेंट के अंदर साइनिडीन, पेलरगोनिडीन और डेल्फिनिडीन पाए जाते हैं। इसका जो मिल्की जूस होता है, वो ईयर ड्रॉप अगर हम डालें तो ईयर एक की समस्या को दूर करता है। इसके साथ साथ इसका उपयोग हम वुंड हीलिंग में कर सकते हैं और किसी भी तरह के बॉयल्स या सोर्स की समस्या हो तो वहाँ भी इसके दूध का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो मुख्यतः इसके अंदर एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं और सेपोनिन्स, स्टेरॉयडल कंपाउंड्स और डाई और ट्राई टर्पिनॉइड भी पाए जाते हैं। अब हम देखें कि उस पाए जाने वाले मिल्क के अंदर एंटी कैंसरस एक्टिविटी, एंटी फंगल एक्टिविटी होती है। इसके अलावा उसका उपयोग आर्थराइटिस और रूमेटिज्म में भी किया जाता है। ध्यान ये रखना है कि एल्कलॉइड कंटेंट रिच होने के कारण डायरेक्टली हमें उसका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, उसका इनटेक नहीं करना है, सिर्फ बाहा उपयोग करना है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है। इसका अगर हम इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कर लेंगे तो एल्कलॉइड के कारण नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया जैसी समस्या पैदा हो जाती है। अगर इंटेस्टिनल वॉर्म्स के लिए यूज़ करना है तो हम इसके कोमल पत्तों का डिकॉक्शन बना के ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखें कि इसके मिल्क का किसी भी तरह से हम सेवन ना करें। मिल्क का उपयोग आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, बहा उपयोग के लिए और कोमल पत्तों का उपयोग इंटेस्टिनल वॉर्म्स को निकालने के लिए करना है, क्योंकि यूफोरबीसी का है, एल्कलॉइड रिच कंटेंट पाए जाते हैं, वॉमिटिंग और नोजिया कॉमनली कर सकता है। जहाँ तक बात है कि स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एलर्जी हो जाती है या स्किन इरप्शंस हो जाते हैं या फिर कई बार इनिशियल स्टेज का सोरियसिस की भी समस्या होती है, उसमें भी इसका दूध लगाने से धीरे धीरे आराम होने लग जाता है। पूर्णतः ठीक तो नहीं हो पाता है, लेकिन ईचिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है सोरियसिस के पेशेंट्स के। तो इस प्रकार इतना सुंदर दिखने वाला ये श्रब कैसे हमारे लिए गुणकारी है हमने आपको बताया, और फिर एक नए प्लांट के साथ आपके साथ आएंगे और फिर मिलेंगे। आप इसको देखिए, समझिए, आइडेंटिफाई कीजिए, तभी इसका उपयोग कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रणाम।